तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप देख रहे हैं नेगी रेडी 007 का यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से आ गया आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ब्लॉगिंग माइक के बारे में, जो कि सबसे बेस्ट माइक होने वाला है ब्लॉगर्स के लिए। तो ये एक बजट सेगमेंट का माइक है जो कि बहुत अच्छा रहता है। तो कई सारे यूट्यूबर इसको रिकमेंड भी करते हैं, बहुत ही बेस्ट माइक इससे बताते हैं। तो एक बजट माइक होने वाला है, ये आता है आपका बोयो बाया M1 की तरफ से। तो बिना कोई देरी करे चलते हैं। अब ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है और आप इसकी डिटेल्स वगैरह को देख सकते हैं। क्लिप ऑन माइक, स्मार्टफोन, DSLR कैमरा, कैमकॉर्डर्स वगैरह के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप इसे यूज कर सकते हैं PC के लिए भी। ओमनी डायरेक्शन होने वाला है, ये सभी डायरेक्शन की आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा, जो कि बाइक राइड करते टाइम जो एग्जॉस्ट साउंड होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम मोटो ब्लॉगर्स को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को बाइक के साउंड के साथ में क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम रोड प्रेजेंट से, तो उसको भी हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो इसलिए ये माइक बेस्ट है। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो आपको 65 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक की इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज मिल जाती है। सिग्नल और नॉइस की बात करें तो आप 74 dB स्प्लिट करके देता है। तो अगर आपका माइक आपको ओरिजिनल मिला या नहीं मिला उसको चेक भी कर सकते हैं। आप इसके बार कोड से इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर से हमें मिला है कुछ, तो इस तरीके की पैकिंग आपको मिल जाती है जो कि बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी पैकिंग है। क्वालिटी फील कराता है ये पाउच, और आपको ये पाउच मिल जाता है। आप इसको यहाँ से इजीली ओपन जस्ट चेकआउट करें तो आपको ये इस तरीके से मिलता है। तो थोड़ा सा लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है ये वायर। काफी दूर से कैमरा से बहुत ज्यादा व्यू एंगल को कैप्चर कर पाएंगे और वॉइस भी अच्छी आने वाली है। तो आपको बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये आपस में बहुत जल्दी मैश हो जाती है, मिक्स हो जाएगी। क्वालिटी की बात करो तो माइक क्वालिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है, कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। तो ये आपका एज ओवरऑल अगर वायर क्वालिटी की बात करें तो वायर क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। और ये आपको क्लिप मिल जाता है इसके साथ, ये मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसमें आपको ये अलग से मिलेगा, एक पॉली में आपको अलग से मिलने वाला, आप इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉलर माइक है तो उसको एडजस्ट करके आप इसे अपने कॉलर पे पिन कर सकते हैं इजीली। ये बहुत अच्छा लगने वाला है, कोई ऑड फील नहीं कराएगा आपको। और ये है इसका स्विचेबल, तो आपको पता ही है इसको हम अपने कैमरा में भी यूज कर सकते हैं, कैमकॉर्डर में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कैमरा स्विच ऑफ और एक ऑफ स्मार्टफोन। तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं जब आप इसे स्मार्टफोन पे यूज करें, आप इसको ऑफ कर सकते हैं जब आपको इसे DSLR पे यूज करना, तो आप अपसाइड में कर सकते हैं। कैमकॉर्डर वगैरह और कैमरा के लिए आपको अपसाइड करना पड़ेगा, और स्मार्टफोन में यूज करते टाइम आप डाउन कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से इजीली ओपन भी कर सकते हैं। आप इसको ओपन करके इसमें एक रिमूवेबल सेल होता है जो कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इस सेल को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं जब आपका ये खत्म हो जाए। वैसे तो ये बहुत जल्दी खत्म होता नहीं है, काफी ज्यादा टाइम लेता है खत्म होने के लिए, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली आपको टाइटली फिट करके। और इसकी अगर बात करें, मेटल क्वालिटी का बना हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये होने वाला है। तो इसकी वायरिंग के रिगार्डिंग आपको थोड़ा इशू आ सकता है क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। और अगर इसकी माइक क्वालिटी की बात करें तो माइक क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है। माइक क्वालिटी मैं आपको एक बार चेक करा दूंगा। तो चलते हैं इसकी माइक क्वालिटी के ऊपर कि अब इस माइक से आपकी क्वालिटी कैसे आती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप देख रहे हैं कि रेडी 007 का यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस माइक की साउंड सुन लिया है तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों ही में क्या डिफरेंस है, क्या साउंड क्वालिटी आपको पता चल गया होगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि पुराने वाले माइक से कैसी साउंड आ रही थी और इस माइक से साउंड आ रही है, क्या क्वालिटी ये माइक आपको प्रोवाइड कराता है। तो वापस चलते हैं अपने पुराने वाले माइक पर। और अभी जैसे मैं नॉर्मली माइक अपना यूज कर रहा हूँ जो मैं इससे पहले यूज कर रहा था, तो आपको डिफरेंस इजीली पता लग रहा होगा दोनों माइक के बीच में। इसकी सेंसिटिविटी आई थिंक मेरे को लगती है वॉइस कैप्चर करने की काफी अच्छी, ऑडियो काफी ज्यादा शार्प और काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों माइक में, आपको डिफरेंस जरूर लग रहा होगा पता आपको दोनों ही माइक में। ज्यादा अच्छा लगा मेरे को यूज कर रहा हूँ मैं इसको, कुछ टाइम मेरे को हो गया इसको लिए, आई थिंक 10 डे मेरे को हो चुके हैं इसे लिए हुए। और मेरे को ये अमेजोन से मिला था, तो उसकी अगर प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज में फ्लक्चुएशन होता रहता है, मेरे को ये काफी ज्यादा अच्छा प्राइस में मिल रहा था तो इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन बाय कर लिया। और आप लोग अगर बाय कर सकते, बहुत सारा माइक है, कोई आपको इससे रिलेटेड इशू नहीं आने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये माइक परचेस कर लेना चाहिए क्योंकि आपको अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और आपको बहुत ज्यादा आपकी वीडियो को इनहेंस करे क्योंकि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की वजह से ही। तो आप ये माइक अमेजोन से परचेस कर लें, आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। आप दोनों ही वेबसाइट पर अपने प्राइस को चेक कर लें, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो जहां आपको बेटर लगे आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अगर इसका प्राइस रेंज बताऊं तो आप मेरे को ये 800 के अंदर इजीली मिल गया था। तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा बहुत चेंज हो गए हो, तो आप इसको मतलब बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा माइक होने वाला है। तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।